का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राजन इनमें गहरा सोचते हो कि आप उसकी तारीफ करोगे वो आपसे सिर्फ इम्प्रेस रहेगी, आपसे संतुष्ट रहेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। नहीं तो पता चला आप उसकी तारीफ करते रहे और वो ब्रेकअप कर दी। इसलिए अगर आप चाहती हो कि आप जिसे पसंद करते हो या फिर मतलब जो आपकी पार्टनर है उसे उसकी जो डिज़ायर है वो फुलफिल करो, तो उसके लिए आपको कुछ करना होगा। यार देखो, ये बात साइकोलॉजिकली ट्रू है कि लड़के बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर बात वही लड़कियों की हो तो वो इतने जल्दी संतुष्ट नहीं होती और उनका डिज़ायर फुलफिल भी नहीं होता, और इसीलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी रिलेशन अच्छी रहे और आपकी जो पार्टनर है वो आपसे हमेशा खुश रहे, तो उसकी डिजायर तो फुलफिल करना ही होगा। तो क्या है उसकी डिजायर, कैसे कर सकते हैं आप उसकी डिजायर को फुलफिल, उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर दो। आप लाइक करोगे तो मैं भी मोटिवेट होंगी आपके लिए और वीडियो बनाने का। तो वीडियो को लाइक कर दो और कुछ भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना, मैं संडे को वो सारे सवाल का जवाब आपको रिप्लाई दूंगी। ओके, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर वन चीज जो आपको करना है वो उसका मेंटल प्रेशर को कम करना है। कभी कभी क्या होता है, वो आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उससे फोन पर बातें करते हो, आप सोचते हो वो बहुत अच्छे से बातें करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम होता है, उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होता है, या फिर कभी कभी वो मंथ्स के उस टाइम पे होती है। तो यार इस सब के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा, क्योंकि अगर आप किसी को संतुष्ट करना चाहते हो तो उसके लिए उसका दिमाग को संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है, और आपको जानना होगा और आपको मिलकर उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना होगा। देखो, सिर्फ गर्लफ्रेंड इसलिए तो नहीं है कि आप फ़ोन पर बातें करो और अच्छी अच्छी बातें करो, कभी उसकी प्रॉब्लम है, उसके लाइफ की जो भी बात है उस चीज़ को शेयर करो, और जब आप उस चीज़ को शेयर करोगे ना अपनी फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड का, तो देखना वो आपसे किस तरह से संतुष्ट रहेगी और वो हमेशा आपको प्यार करेगी और आपका रिलेशनशिप भी अच्छा बनेगा। तो यार जब फोन पर बातें करते हो ना प्यारी प्यारी, तो उससे पहले पूछ लो कि घर पर क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है। नंबर दूसरा आता है कि कभी उसके फायदे उठाने का कोशिश मत करो। अब आप बोलोगे उसे संतुष्ट करने के साथ इसका क्या मतलब है, तो यार मतलब है अगर आप चाहते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे संतुष्ट रहे तो आप हमेशा उसके फायदा उठाने जाओगे, जैसे कि मेरा ये कर दो या फिर मुझसे मिलने आओ, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपसे पूरी तरह से खुश रहे ना, पूरी तरह खुश रहे, तो हमेशा उसकी फायदा मत उठाओ कि यार नहीं मिलने आओ, ये करो तब मैं ये करूँगा, ये फायदा उठाना हुआ। और कभी इस तरह से लड़की आपके साथ खुश नहीं होगी, कहीं ना कहीं उसे लगेगा कि आप उसे ब्लैकमेल कर रहे हो और बहुत जल्दी वो छोड़ कर चली जाएगी, यस वो संतुष्ट कभी नहीं होगी। तो इस चीज़ के लिए यार ध्यान रखो कि कभी भी उसे साथ जबरदस्ती मत करो। मैंने बहुत सारे लड़कों का कमेंट पढ़ा है कि वो बोलते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। सिर्फ ऐसे करने से नहीं होता, तो थोड़ी सी आपको भी हेल्प करना होगा। ओके, नंबर तीसरा आता है कि कभी वो रिचार्ज करने बोली और आपने रिचार्ज कर दिया, उसने शॉपिंग करवाने बोला और आपने बहुत सारा शॉपिंग कर दिया, और आप चाहते हो कि वो आपसे संतुष्ट है, तो नहीं, वो आपसे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो सबसे नहीं होता। देखो लड़कियां वो चाहती है कि आप उसे गिफ्ट दो, आप उसकी रिचार्ज कर दो, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी वो सेकेंडरी है, जो प्राइमरी चीज़ आती है वो ये है कि आप उसे टाइम दो। और अगर आप किसी गर्लफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करना चाहते हो ना, तो सबसे ज़्यादा तो उसे टाइम दो। अगर आप उसे टाइम दोगे ना, उसके साथ बातें करोगे, तो देखो वो आपसे पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगी। एक बात मैं आपको बताती हूँ, हमेशा याद रखना, लड़कियों को हमेशा उसके चेहरे से और उसके लुक से जज करते हैं, और लड़कों को हमेशा उनकी बातों से जज करते हैं। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है, अक्सर लड़कियाँ मेकअप लगाती और लड़के झूठ बोल देते हैं, या फिर आप देखोगे अक्सर लड़के उनकी बातों से किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम दो और उससे बात करो, देखो वो आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहेगी। दोस्तों ये थे तीन पॉइंट, अगर आप ये तीनों चीज़ करोगे तो आपकी गर्लफ्रेंड पूरी तरह से आपसे संतुष्ट रहेगी और आप उसके डिज़ायर को हमेशा फुलफिल कर पाओगे। इन तीन चीज़ों को करके देखो आपको समझ में आएगा। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ भी ये सब करते हो ना, आप चाहते हो उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, वो क्रश है लेकिन बस फ्रेंड है, तो वो भी आपसे खुश रहेगी और आपसे रिलेशनशिप में आ जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो मिस रानी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप चाहो तो इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टा आईडी है IM_MissMegha। और एक बात, बहुत सारे मेरे 20% जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, मतलब फीमेल सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे कहा था यार हमेशा लड़कों को टिप्स देती हो, लड़कियों को नहीं देती। तो अगर आप लड़की हो तो वीडियो को स्किप कर दो, मैं कुछ और बताने वाली हूँ। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि यार लड़कों को तो सही है, अब ये बताओ कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को कंट्रोल में कैसे रहूँ, वो मेरा बात ही नहीं सुनता। तो आप उसके लिए एक काम करो, उसने कुछ मना किया कि ये मत करो, वो कर रहा है, ठीक है, आप उसको कुछ भी मत बोलो। आप उसके साथ झगड़ा करोगे ना वो और करेगा। दो दिन कुछ मत बोलो, एकदम इग्नोर करो, मतलब अच्छे से बात भी मत करो पर बात भी करो, हाँ बोलो ना,
ठीक है ठीक है, ऐसे बिहेव कि आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप ये चीज़ करोगे तो फिर देखो आपका जो बॉयफ्रेंड है उसे समझ में आएगा कि आप गुस्सा हो, और उसके बाद वो आपकी बात सुनेगा। तो ये हमेशा ट्राई मत करना, लेकिन नहीं तो हमेशा नॉर्मल सी बात हो जाएगी, लेकिन जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये करके देखना, ओके। और अगर आप लड़के और ये वीडियो देख रहे हो ना अब तक, तो अपनी गर्लफ्रेंड को शेयर कर दो, ये आपकी काम की चीज़ नहीं थी इसलिए मैंने पहले ही बोला था, इसके स्किप कर दो, ओके। मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में, टिल देन बाय दोस्तों, टेक केयर, आई मिस यू।